भाई लोग कैसे हो आप लोग? और मैं शांतिगुंज में बचपन से तो नहीं रहा लेकिन कॉलेज के टाइम से रहा। तो उसमें जितने भी छोटे बालक लोग होते हैं उनका एक नवयुग दल होता है, उन्हीं के साथ खेल खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। इनको पे फोकस मार देता हूँ। ये देखो, ये है प्रबल, ये है मॉडल, ये है हमारा सौरभ जोशी बीएससी एनिमेशन। तो इन लोगों के साथ खेल खेल के मैं बड़ा हुआ हूँ। जो भी टैलेंट मतलब वैसे तो कुछ है नहीं, पर जो भी थोड़ा बहुत होगा इन लोगों की दया से है। हेलो बोल दो। कैसे हो आप लोग? मैं हूँ आज उत्तराखंड में और हरिद्वार में, और फिलहाल अभी आए हैं शांतिगुंज एक शादी अटेंड करने। तो हाँ, मेरी बहन की शादी है, कज़न बहन की। तो बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी मुझसे कि यहाँ की उत्तराखंड की शादी कैसे होती है, और मेनली मतलब शांतिगुंज की शादी कैसे होती है। तो कोशिश करेंगे हम उसमें कि पूरा कवर कर सकें शादी में। सबसे पहले हमारे यहाँ ट्रेडिशन होता है कि सबसे पहले गणेश पूजन होता है, और उसके बाद हल्दी हाथ होता है, और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें होती हैं। तो गणेश पूजन हो चुका है और हल्दी हाथ अभी शुरू होने वाला है, तो उसको मैं आपको दिखाऊंगा। के बाद अभी बारी है मेहंदी की, और मेरे साथ साथ देने जा रहे हैं छोटे भाई शाश्वत। या वन ऑफ द रिलेटिव अनन्या। और शाश्वत आ जाओ, चलो ब्लॉग कवर करेंगे और दिखाएंगे सबको यहाँ पे क्या क्या चल रहा है। हाय बोल दो शाश्वत। हेलो बोल, हाय बोलो, हाय। और भाई लोग, ये चल रहा है हमारा मेहंदी का कार्यक्रम। ये हमारी ब्राइड मिस महिमा, जो कि बनने वाली है मिसेस महिमा। सगाई और फिर शाम में है संगीत। तो संगीत में हम लोग अपनी परफॉर्मेंस देने वाले हैं बहुत सारी, उसके लिए रात भर तैयारियां चल रही थी, और इसलिए थोड़ा सुबह अपन लोग बहुत लेट उठे हैं। और अभी हो रहा है सगाई का टाइम, तो वर वाला पक्ष आ चुका है और वधू वाले पक्ष भी रेडी हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं सगाई के लिए। तो अब मैं आपको दिखाऊँगा यहाँ पर सगाई वाला नज़ारा। Thank you.
जैसे कि अभी अपन लोग सगाई में सगाई से बाहर आए हैं और अभी फोटो शूट चल रहे हैं। ये मेरे भाई शुभम उपाध्याय इंटरनेशनल स्विमर। अरे ये क्या गया, अध्यापक है युग निर्माण। अच्छा अच्छा, तो ये भाई बहुत अच्छी स्विमिंग करते हैं, मैं भी बहुत अच्छी करता हूँ, बस बाहर निकालने मेरे को ये आते हैं और इनके भाई भी। तो हाय बोल दो भाई। हेलो गाइस, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपको। भाई लोग अब संगीत शुरू होने जा रहे हैं, संगीत के लिए सबके सब रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गया हूँ ऐसा लग रहा हूँ। तो बहुत सारे परफॉर्मेंस हम लोगों ने तैयार किए हैं और हम लोग आए हैं होटल रामिया इनमें, तो वहीं पर संगीत रखा गया है, तो फिर आगे दिखाऊंगा मैं आपको। Thank you.
शादी का माहौल, आज फाइनल डे शादी है आज, और दूल्हे भैया आ चुके हैं, जीजा जी हमारे, तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या सीन चल रहा है हमारे पीछे। अभी उसका शपथ ग्रहण होना बाकी है।
वर और कन्या का चयन हुआ। इन दोनों के बीच में रोज इसको जो बताते रहेंगे, एक दूसरे को सुनाते रहेंगे तो घर में चिंतित नहीं होगी। जो भविष्य के उम्मीदवार बैठे हुए हैं यहाँ पर, वह भी समझ गएंगे कि हमें भी कमोबेश नियमों का पालन करना पड़ेगा, तो अपना स्वभाव उसी प्रकार से बना लेंगे। इसलिए तीन पीढ़ियों के शिक्षण के साथ पहले सुबह दोहराएंगे अपनी प्रतिज्ञा, बाद में तिरंग दोहराएंगे। पढ़ के सुनाइए तेज आवाज में। पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से धर्म पत्नी को नंदांगनी घोषित करते हुए उनके साथ अपने अस्तित्व को मिलाकर नए जीवन की सृष्टि करता हूँ। अपने शरीर के अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखूंगा। धर्म पत्नी को प्रसन्नतापूर्वक गृह लक्ष्मी का महान अधिकार समझता हूँ। जीवन की गतिविधियों के निर्धारण में उनके परामर्श को महत्व दूंगा। अर्धांगिनी के रूप स्वास्थ्य स्वभाव गुण दोष एवं ज्ञान विकारों को चित्र में नहीं रखूंगा, उनके कारण संतोष नहीं व्यक्त करूंगा, स्नेह पूर्वक सुधारने या चयन करते हुए आत्मीयता बनाए रखूंगा। पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और पूरा पूरा इसमें बचा रहूंगा, साथ ही सहनशील और मधुरभाषी बनकर रहूंगा। पत्नी के लिए जिस प्रकार पतिव्रत की मर्यादा कही गई है, उसी दृढ़ता से स्वयं पतिव्रत धर्म का पालन करूंगा। अपने विचार एवं आचरण किसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगा। गृह व्यवस्था में धर्म पत्नी को प्रधानता दूंगा। आमदनी और खर्च का क्रम उनकी सहमति से करने की मर्यादा बनाऊंगा। धर्म पत्नी की सुख शांति तथा प्रगति सुरक्षा की व्यवस्था करने में अपनी शक्ति और साधन आदि को पूरी ईमानदारी से लगाता रहूंगा। अपनी ओर से शेष व्यवहार बनाए रखने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। देव शक्तियों, अग्निदेव, हितैषियों एवं सत्पुरुषों की साक्षी में निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा करती हूँ कि अपने जीवन को पति के साथ मिलाकर नए जीवन का निर्माण करूंगी। इस प्रकार हमेशा सत्य अंत में धर्म पत्नी बनकर रहूंगी। पति के परिवार के परिजनों को एक ही शरीर के अंग मानकर चलूंगी। सभी के साथ शिष्टाचार बरतूंगी। बड़ों को सम्मान और छोटों को स्नेह देने में प्रमाद न होंगी। पति की प्रगति में समुचित योगदान देती रहूंगी। साधना सेवा जैसे कार्यों में पति के लिए बाधक नहीं सहायक बनूंगी। आदत से को छोड़कर परिश्रमी स्वभाव बनाऊंगी। स्वच्छता व्यवस्था एवं अन्य कार्यों को पूरी तत्परता से संभालूंगी। पतिव्रत धर्म का पालन करूंगी। अपने विचार एवं आचरण किसी मर्यादा के अनुरूप विकसित करूंगी। पति के प्रति श्रद्धा भाव बनाए रखकर सदैव उनके अनुकूल रहूंगी। छल कपट न करूंगी। सेवा स्वच्छता प्रिय भाषण जैसे अभ्यास बढ़ाती रहूंगी। इस प्रकार सदा सबको प्रसन्नता देने वाली बनकर रहूंगी। ईर्ष्या द्वेष चुगली अनावश्यक वार्तालाप जैसे दोषों से बचकर रहूंगी। कम खर्च में घर का संचालन करूंगी। फैशन एवं फिजूल खर्ची से बचूंगी। पति के असमर्थ हो जाने पर भी प्रसन्नता पूर्वक सद्गृहस्थ के अनुशासन का पालन करूंगी। मतभेद भुलाकर सेवा साधना करते हुए जीवन भर सक्रिय रहूंगी। कभी भी पत्नी का अपमान न करूंगी। प्रतिफल की आशा किए बिना हमेशा अपने कर्तव्यों का पालन करूंगी। Thank you.
अभी हूँ मैं शांति उनके दिव्य प्रांगण में और यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कोट लिखा है, गुटका खाओ गाल गलाओ अपनी अर्थी खुद उठाओ। मतलब सीधा सीधा बोला है कि नशे वशे और ये जितने भी गुटका कहने वाली चीज़ें हैं इनसे दूर रहना चाहिए हम लोगों को। यही हमारे गुरुदेव ने हमको सिखाया है और यही हमें सबको सिखाना चाहिए, यही संदेश हम सबको देना चाहिए। और दूल्हा, अरे एक मिनट यार, दूल्हा और दुल्हन निकले हैं अभी शांति कुंज भ्रमण पर, तो उनकी वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है।